हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू अपडेटेड वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 125 सीसी, 150 सीसी, 160 सीसी के अपकमिंग बाइक्स जो आपको 2023 में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगी, बिकॉज ये वो अफोर्डेबल सेगमेंट है जहां मैक्सिमम इंडियन बोला जाए तो बाइक परचेज करते हैं इस रेंज में, आइदर 125 सीसी हो, 150 सीसी हो या फिर 160 सीसी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वो बेस्ट तीन बाइक लेके आऊँ जो आने वाले टाइम में आपको इंडियन रोड्स पे देखने को मिल जाएंगी। सो अगर कुछ इस वीडियो में आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो इस लिस्ट में पहली बाइक है TVS राइडर 125 सीसी का ABS मॉडल जो अभी तक नहीं आया है। करेंटली राइडर के 125 सीसी में तीन वेरियंट ऑलरेडी मार्केट में है। ड्रम ब्रेक जो इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 86,000 है, डिस्क ब्रेक का प्राइसिंग जो है वो है 93.5K, जिसमें TFT डिस्प्ले वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइसिंग है वो है 1,00,000 रुपये। बट बहुत जल्द आपको ABS वाला भी ऑप्शन मिलेगा एंड उसका जो प्राइसिंग रहेगा वो रहेगा 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में। ये बाइक आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो लगभग 1.25 लाख से 1.30 लाख के बीच में रहेगा। नेक्स्ट बाइक इस लिस्ट में वो है TVS अपाचे RTR 164V का न्यू जनरेशन मॉडल। बहुत जल्द आपको 2023 मॉडल इस बाइक का देखने को मिलेगा एंड इस बाइक में होपफुली आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली बजाज ने पल्सर N160 के अंदर डुअल चैनल ABS का ऑप्शन दे दिया है, तो अगर कंपटीशन में रहना है TVS को तो फिर उनको भी डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर बात करें इसके शोरूम प्राइस की तो 1.32 लाख से 1.36 लाख तक इसका शोरूम प्राइस रह सकता है एंड ये बाइक 2023 मिड टू एंड तक आपको इंडियन रोड पे देखने को मिल सकती है। बट अभी आप कोई अगर डुअल चैनल ABS का 160 सीसी बाइक देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पल्सर N160, उससे बेहतर अभी कुछ भी नहीं है। सेफ्टी की बात करें, बाइक दिखने में अच्छी है, सब कुछ बाइक का बहुत अच्छा है, बिकॉज TVS की बाइक को थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है इस बात का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजाज के बारे में। सो बजाज बहुत ही जल्द P125 को मार्केट में लाएगी। P150 ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है, वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। लुक्स डिजाइन इस बाइक के P150 के जैसे ही रहने वाले, जो डिफरेंस होगा वो होगा इंजन में। इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, सिंगल सीट, स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन आपको बाइक में देखने को मिलने वाला है। बाइक का शोरूम प्राइस 1,00,000 के आसपास होगा एंड ऑन रोड की बात करें तो 1,20,000 के आसपास ये बाइक रहेगी एंड ये बाइक भी आपको पहले 6 महीने के अंदर इंडियन रोड पर देखने को मिल सकती है। सो ये है वो तीन अफोर्डेबल 125 सीसी से 160 सीसी के बीच में बाइक जो अगर आएंगी तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपका बजट बोलता है। आप लोग बताओ कि अगर इनमें से कोई बाइक लॉन्च होती तो आप किस बाइक का वेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही अपडेट था। आई होप आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।